नए वीडियो में स्वागत है। ये बस हमें मुन्नार से अड़ीमाली तक लेके जाएगी। अड़ीमाली से आगे हम अलापूजा तक जाने वाले हैं, हमें दूसरी बस चेंज करनी होगी। तो बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ एंजॉय करें। ये यहाँ का व्यू है, मुन्नार का ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड है ये। और ये हमारी बस जो हमें लेके जाने वाली है। आइए सफ़र शुरू करते हैं। आइए बस में बैठते हैं। अभी हमने मुन्नार से हमारा ये सफ़र शुरू कर दिया है और अड़ीमाली तक ये बस हमें लेके जाएगी। आगे फिर हमें दूसरी बस चेंज करके अलापूजा तक जाना है। इस वीडियो में आप अलापूजा तक देखने वाले हैं, बने रहें पूरे वीडियो में और इस सफ़र को एंजॉय करें।
अभी हमें दूसरी बस अडामली से मिली है जो कोटमंगला तक जाने वाली है। कोटमंगला से फिर हमें चेंज करके अगली हमारी बस पकड़नी पड़ेगी जो हमें आलापूजा तक लेके जाए। बने रहें मेरे साथ पूरे सफ़र में और आप भी इस सफ़र को एंजॉय करें। अभी ये बस यहाँ से शुरू होने वाली है, अडामली से कोटमंगला तक ये जाएगी। ये अडामली से अभी हमारी बस शुरू हो गई है जो हमें कोटमंगला तक लेके जा रही है।
अभी हमने ये तीसरी बस चेंज की है कोटा मंगलम से, जो हमें तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर लेके जाएगी, और वहाँ से फिर हम आगे अलापूजा की बस देखेंगे, शायद वहाँ से मिल जाए, नहीं तो फिर वहाँ से भी हमें कनेक्टिंग दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो बने रहें पूरे वीडियो मेरे साथ में और इस सफ़र को एंजॉय करते रहें। ये हमारी बस है, ये देखिए, बस जो हमें माउटपूजा से कोटायाम तक लेके जाएगी, कोटायाम से हम दूसरी बस चेंज करेंगे और फिर आगे अलापूजा तक जाएंगे। तो इस तरह से ये सफ़र पूरा होगा, बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में और आप भी इंजॉय करते रहे। ये हमारी गाड़ी है जो एक ब्रेक लिया है यहाँ पे खाने के लिए, और ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिला। किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये क्या है। अभी हम कोट्टायम बस स्टैंड से अलापुरा के लिए ये बस हमें मिल गई है, और अभी यहाँ से हम अलापुरा जाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में, और ये यहाँ का पूरा व्यू है, ये बस स्टैंड है यहाँ का।
Thank you.
तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सफ़र आज का पूरा किया, काफ़ी गाड़ियाँ चेंज करते हुए ये सफ़र पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने पूरा वीडियो देखा। ये अभी अलापूजा बस स्टेशन आ गया है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।